हे गाइस, तो हम आज फिर से आए हैं अपने गांव की नदी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी काफी सुंदर लग रहा है। तो सबसे पहले मॉर्निंग की शुरुआत हो गई। यहाँ पे हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुके हैं और यहाँ पे का नेचर काफी खूबसूरत है। चिड़ियों की चहचहाहट, कबूतर, हरे भरे पौधे, यहाँ पे नदियों का बहना, सूर्य उगता हुआ देखना हमें काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पे काफी हरे भरे पौधे हैं, खूबसूरत सा फूल है। ये हरे भरे देख के आँखों को सुकून महसूस होता है और सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बाद बॉडी एक्टिवेट रहती है पूरे दिन भर में। और हमने बचपन से पढ़ा है कि सूर्य की रोशनी से पौधे उगते हैं, पेड़ बड़े होते हैं, और ये पौधे के लिए कितनी जरूरी है। तो अभी सूर्य की किरणें धरती पे अपनी प्रकाश फैलाने वाली ही हैं। सूर्य की रोशनी में जीवन देने वाली शक्ति होती है। सूर्य की किरण धरती पे पड़ते ही फूल खिलने लगते हैं, पौधे उगने लगते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं। सो गाइस, यहाँ पे सूर्य देव ने अपना आगमन शुरू कर दिया है और सूर्य की रोशनी हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि पेड़ों के लिए। सो गाइस, तो अभी 3-4 बज रहे थे तो हम फिर से आए थे नदी पे। सो गाइस, तो हम इस जगह पे आते ही रहते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून शांति महसूस होती है जब भी फ्री टाइम होता है। तो हमें नेचर के साथ रहना, वक्त बिताना काफ़ी अच्छा लगता है, खासकर मॉर्निंग के टाइम पे। आप भी कभी नेचर के साथ रहे होंगे तो आपको भी पता होगा कि नेचर के साथ रहना कितना सुकूनदायक होता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और जो नए हैं हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।